Yes, tell us, sir, please. So, just coming back to the topic, Dr. Dali Saab has been very kind, and we have had few sessions. Shuru mein humne kiye jo just to like brainstorming sessions the on touching different topics. Usme mind, body, or soul ke topic tha, which was very well received. Usme Dr. Saab ka input bahut hi aisa ek out of the box input tha tino ki relations ke saath. ये दैट गेव सम मोर इम्पीटस टू अस. डॉक्टर साहब को भी इससे एक इंस्पिरेशन मिली कि भाई इसको वी शुड कंटिन्यू दिस. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये एक सेशन एक डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था टॉपिक द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. और फिलॉसफी ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्मेट जो डॉक्टर साहब के व्यूज हैं वील शेयर वील ट्राई टू प्रोपोगेट और वो दूसरों के लिए भी उसमें जो इनपुट उनका जो आएगा उससे हम उसको आगे एक्सपेंड कर सकेंगे. लाइफ का जहाँ फिलॉसफी ऑफ लाइफ के लिए जो टॉपिक कैसे क्यों ये सेलेक्ट किया गया ये डॉक्टर साहब उस पर खैर ज़्यादा बेहतर उसके ऊपर लाइट अपनी रोशनी डालेंगे. मगर वन थिंग आई कैन से कि बायरन ने एक जगह कहा है कि कॉल उसका कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील एंड इट्स अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक. बट इन बोथ द केसेस लाइफ की अभी तक इंटरप्रटेशन उसकी उसकी गहराई उसकी इंट्रिकेसीज हर एक ने उसके ऊपर तबाह आजमाई की है. तो उसके उस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट भी थी और ये डिस्कशन होती रहती थी कि वो इश्यूज लाइफ के वो आस्पेक्ट्स के विच रियली हैव ए वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट हमारी अपनी जिंदगियों पर ख़ासतौर से जो यंगर जनरेशन है उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट इंटरप्रटेशन कौन सा जाना चाहिए कौन सा नहीं उसको थोड़ी सी सजेस्टिव डिस्कशंस होंगे ये जो डॉक्टर साहब से हम वी विल ट्राई टू कंटिन्यू. ये एक पहला एक उसका लॉन्च का एक प्रोमो है इसलिए इसमें एक उसके साथ रिक्वेस्ट मैं ये भी करूँगा डॉक्टर साहब के तवज्जो से और उनकी गाइडेंस पे कि जो भी इसमें जो लोग नेक्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट करने आएँ वो दे शुड बी हैविंग दे शुड हैव सम क्वेश्चंस अपने उनके इश्यूज जो वो बिल्कुल किसी एक फॉर्मल फोरम पे नहीं कर सकते वो यहाँ डिस्कस करें और फिर डॉक्टर साहब उसको ही विल ट्राई टू कम अप एंड गिव देम सम लॉजिकल और उसकी जो इंटरप्रिटेशन उनका अपना है. तो विद दिस आई जस्ट टर्न ओवर टू डॉक्टर दानिश एंड आई होप के वील स्टार्ट दी विद दी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स में थी. डॉक्टर दानिश प्लीज. ओके अच्छा तो इस वक्त जो हमने जो टॉपिक चूज किया था वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है. फिलॉसफी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि कोई व्यू पॉइंट है एक लाइफ का. अच्छा वो व्यू पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है. एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट भी है एक आपका रिलीजियस व्यू पॉइंट भी है. तो इन सब को समझने के लिए पहले तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे. क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल यह है कि हमें तख्लीक क्यों किया गया. लाइफ व्हाई लाइफ बिगिंस और ख़ास तौर पे हम जो इंसान की बात करते हैं तो व्हाई ह्यूमंस आर क्रिएटेड एट द फर्स्ट प्लेस. दूसरा ये कि तख्लीक करने से फ़ायदा क्या है अल्लाह ताला को. मतलब व्हाई मतलब वो क्या ख़ास काम लेना है अल्लाह ताला को हमसे और हमें क्यों तख्लीक किया गया. और जो खसूसियात जो हम ह्यूमंस में डाली गई हैं उससे उस लाइफ के डेस्टिनेशन का क्या ताल्लुक है. कि लेकिन हर चीज़ का एक मकसद है अल्लाह ताला बे मकसद कुछ नहीं करते. तो इस पे जो है थोड़ा सा हमें डिस्कस करना. इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्शियसनेस पे सोल शऊर लाशऊर के इंसान जो है वो सिर्फ एक फिजिकल रियलिटी नहीं है उसकी एक मेटाफिजिकल रियलिटी मौजूद है. तो इतनी सोफिस्टिकेटेड मखलूक जो है इसकी तख्लीक करने का मकसद क्या है. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर अल्लाह ताला की कुछ सिफात है ठीक है और वो जो सिफात हैं उनका ज़रूर जो है इंसान के अंदर भी है इनकम्प्लीट थोड़ी सी है मतलब उसकी एक
अल्टीमेट जो है वो तो अल्लाह ताला की सिफात है। तो अगर हम अपने अंदर झाके तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने तख्लीक क्यों किया। अल्लाह ताला की तख्लीक का राज हमें अपने अंदर झाँकने की वो इसकी वजह से होता। अच्छा, हमारे अंदर जो एक सिफत है इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, एक सिफत है जिसको कहते हैं कंपैशन। अगर हम पे कोई एहसान करता है तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, उस एहसान को रिपे किया जाए। और जब कोई बंदा उसको रिपे नहीं कर पाता तो वो अपनी आजजी का इजहार करता है कि भाई आपने मुझ पे इतना एहसान किए जिससे जो है जो मैं रिपे नहीं कर सका, तो वो अपनी आजजी का इतना इजहार करता है। तो इससे जो फीलिंग जो एहसान करने वाले में डेवलप होती है, ठीक है, वो एक अलग फीलिंग। तो अगर हमें ये फीलिंग डेवलप होती है, तो अगर हम अपनी आजजी का इजहार करते हैं तो अल्लाह ताला को क्या फीलिंग डेवलप होगी जिसने हम पे इतना एहसान किया। तो अगर हम अपने अंदर देखें और अपने अंदर की मखलूकात से अगर हमारी डायरेक्शन है उसको देखें, तो हमें ये मालूम होगा कि अल्लाह ताला की फीलिंग जब उन्होंने हम पे एहसान किया है, और अगर हम वो ग्रेटिट्यूड का इजहार करेंगे तो अल्लाह ताला को कितनी खुशी और कितनी फीलिंग उसकी क्या डेवलप होगी। लेकिन ना हम एहसान तो हम बहुत सारे ले रहे होते हैं दुनिया में, मतलब फॉर एग्जाम्पल आजकल ये मोबाइल फ़ोन है, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है ना, सेल्फ गाड़ियाँ हैं आपकी ज़िंदगी, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स और हम पे जो एहसान जो हम पे एहसानात कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो हमें उसके अगेंस्ट ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं डेवलप होता, मतलब क्यों नहीं होता। सवाल ये है कि हमारे 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 यहाँ तो बहुत सारे, हम तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी आसानियाँ हो गई हैं, तो सबसे ज़्यादा आसानियाँ तो हमने इन इन चीज़ों से की हैं। लेकिन हम ग्रेटिट्यूड हम किसको एक एहसान समझते हैं कि जो एक इंसान करे। फिर यह कि अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो जानवर और जितने भी मुसख़र किए हुए हैं मखलूकात इंसान के लिए, तो वो सारे भी आपके लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी ग्रेटिट्यूड उस पर इस तरह डेवलप नहीं होता, तो वजह क्या है? ये हमें सोचना चाहिए कि किन चीज़ों से हमें ग्रेटिट्यूड मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ी इसकी वजह जो है वो ये है कि इंसान और इन चीज़ों में फ़र्क है। सबसे पहले तो फ़र्क ये है कि फीलिंग, देखें कुछ मखलूकात जो आपकी क्रिएशंस बनी हैं तो दे आर प्रोग्राम्ड, जब वो प्रोग्राम्ड होती हैं तो और आपने अगर उसको प्रोग्राम किया हुआ है तो वो आपको पता है कि ये जो रिपे कर रही हैं दे आर बेसिकली प्रोग्राम्ड रिपे, तो इसके वजह से वो अपने तौर पे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर रही, अपने अपने तौर पे वो उसको ये नहीं कहा गया कि आप करें या ना करें इस आपकी मर्जी। तो कुछ जो प्रोग्राम्ड होता है तो वो फीलिंग डेवलप नहीं होती। अगर आप किसी को खुला छोड़ दें, अगर किसी को अनप्रोग्राम कर लें उसके बावजूद जो है वो आपसे शुक्रगुजार करे, तो उससे जो आपको फीलिंग डेवलप होती है वो एक अलग है। आप किसी बहुत से लोग जानवर पालते हैं घर में, पेट्स पालते हैं, जब वो पेट्स आपके पास आते हैं तो आपको एक प्यार की फीलिंग डेवलप होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उन वो पेट्स के पास ऑप्शन भी होता था कि दूसरे काम कर लें, खास तौर पे जब वो दूसरे कोई चीज़ छोड़ के आपके पास आते हैं तो यू डेवलप फीलिंग ऑफ एक प्यार की फीलिंग डेवलप। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने जो है ये फीलिंग अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, इसके लिए अल्लाह ताला ने अच्छा अल्लाह ताला के साथ जो है वो है कि वो हर चीज़ उसने क्रिएट की हुई है, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड। तो उसको अब ये कहते हैं ना फरिश्ते जो है आप जो है इबादत करते रहते हैं और सजदे करते रहते हैं अल्लाह ताला से, उनके सजदे से वो फीलिंग डेवलप नहीं होती, क्यों? दे आर प्रोग्राम्ड। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब हम कोई गाड़ी में बैठते हैं या बिजली यूज़ करते हैं तो उस बिजली और उस गाड़ी और उस बिजली के यूजेज से हमें उसकी सेल्फ की कोई फीलिंग डेवलप नहीं होती कि यार शुक्रगुजारी की, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने बनाया इसलिए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इसी के लिए बनाया है। तो अल्लाह ताला को वो फीलिंग डेवलप नहीं होगी चाहे वो कितनी भी इबादत कर लें। बहुत सही बात बिल्कुल इसका ये है ना। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने एक सेपरेट गॉड बनाया है जो इंसान के अंदर बनाया। ये एक मैं एक बहुत
बेहतरीन बात बारीक बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक गॉड बनाया जो इंसान के अंदर बनाया, जिसको हम नफ्स नफ्स कहते हैं। ये छोटा सा खुदा ही है। जब आप इस नफ्स पे के ऊपर ज्यादा जाते हैं तो आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो एक इंसान के अंदर एक छोटा सा गॉड बनाया, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके वजह से आपको ऑप्शन दे दिए गए। यू हैव अ थिंकिंग कैपेसिटी, आपको एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप ये काम करें ये काम ना करें। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको खलीफा बनाया है, आप सब चीज़ें आपने मुसफ़र कर दी गई है और आपको ऑप्शन है। अब वो ये देखना चाहता है कि अल्लाह ताला कि अगर उस ऑप्शन को लेते हुए उसके बावजूद जो है, क्योंकि यू आर नॉट प्रोग्राम्ड, आपके अंदर एक सेल्फ एक आपके अंदर एक अलग से कंप्यूटेशनल चिप डली हुई है जो कि वो प्रोग्राम नहीं है जो अल्लाह ताला के प्रोग्राम है। एक है अल्लाह ताला का प्रोग्राम, लेकिन उसके अंदर एक सब प्रोग्राम है जो हमारा अपना प्रोग्राम है। ये ज़रा डिफरेंस है इंसान और दूसरे मखलूकात में। अल्लाह ताला हर चीज़ प्रोग्राम किए हुए, होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाह रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हम पे छोड़ी हुई हैं जो कि सेल्फ हमारी अपनी प्रोग्रामिंग है। तो जब हम ये कहते हैं कि उसके बावजूद, उस प्रोग्राम के होने के बावजूद, हम जब इन्वायरमेंट में देखते हैं और वो चीज़ें देखते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, उसके बाद जो है हमें जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, उस ग्रेटिट्यूड से अगर हम अल्लाह ताला को पुकारेंगे, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। ये फ़र्क है इंसान की इबादत में और किसी और जानदार की। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप ये देखें कि एक जानवर को आपने खाना दिया और वो खाना उसने नहीं खाया और आपकी मोहब्बत में आपके पास आ गया, तो जो आपको खुशी होगी ना, वही अल्लाह ताला को उस पर खुशी होगी कि जब आपको ये सब कुछ दिया हुआ है उसके बावजूद जो है आपने अल्लाह ताला को याद रखा। तो अल्लाह ताला का जो असल में मकसद, मकसद हयात क्या है, इंसान को इस दुनिया में लाने का मकसद क्या है, वो इंसान को जो लाने का मकसद है वो ये अल्लाह ताला की फीलिंग है जो अल्लाह ताला को कहीं और से डेवलप नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह ताला को ये फीलिंग किसी और मखलूक से डेवलप नहीं हो सकती, अल्लाह ताला को सिर्फ ये फीलिंग चाहिए बेसिकली, तो ये फीलिंग कहीं और से नहीं हो सकती। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को लाया, और यही जो है इस फीलिंग का रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि अगर किसी ने इस पूरी ज़िंदगी के अंदर इस फीलिंग का पास करते हुए अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी की, तो अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड में जन्नत दे रहा होगा, क्योंकि उसने वो एक तरह से स्क्रीनिंग कर ली कि कौन लोग जो हैं शुक्रगुजार हैं और कौन लोग नहीं हैं, और जो नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा अल्लाह ताला। सही, इग्नोरेंस है ना उसके, अल्लाह उनमें कोई फ़र्क नहीं है अल्लाह ताला। तो ये जो थी एक तरह से टेस्टिंग मैकेनिज्म है कि कौन लोग शुक्रगुजार हैं और कौन नहीं। यानी कि अगर हम कोई कहते हैं ना अल्लाह ताला तो बेगर्ज है, कहते हैं अल्लाह ताला कोई गर्ज नहीं है, सब लोग भी वो अगर सब लोग भी कुफर कर लें तब भी कोई उस पर, लेकिन अल्लाह ताला को गर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की चाहत है कि मेरा जो है शुक्रगुजारी, मेरा शुक्र अदा किया जाए। और इससे बेहतर, इंसान से बेहतर शुक्र कोई और अदा नहीं कर सकता अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि ये मैंने बताया ना इंसान के अंदर चॉइसेस मौजूद हैं, एक और खुदा अंदर बनाया हुआ, इंसान को खुद खुदा बनाया हुआ है, अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं वो इंसान के अंदर डाली हुई हैं। तो जब इंसान जो है उस छोटे से खुदा से निकल के एक बड़े खुदा को देखेगा और अपने आप को मारेगा, तो वो जो फीलिंग उस बड़े खुदा को होगी वो आप बयान नहीं कर सकते। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप अपने आप को देखेंगे, जो मुसख़रात आपके मखलूक़ात जो आपके मुसख़र हैं, अगर उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है और वो खुद आपके पास आ रहे हैं, तो जो आपको फीलिंग होगी वही आप समझ लें अल्लाह ताला को फीलिंग। बेशक तो ये एक फलसफा है कि भाई लाइफ इंसान क्यों क्रिएट किया गया। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब एक बात को आगे बढ़ाती हूँ, मेरी ब्रेन में एक बात ये थी कि जो यानी इसका एक पहलू ये एक थियोसोफिकल कॉन्टेक्स्ट है कि जी उसको ग्रेटिट्यूड वो चाहिए और वो चाहता है, ऑप्शन देखा है, बट अल्टीमेटली जैसा अल्लाह का उसने कोई चीज़ भी जितनी भी तकलीफ करी वो बिलावजह नहीं की। सही, तो जब ये उसने तकलीफ की और वो इसको ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए एक सलाइजर दहनी इंतहा में दी, तो आखिर उसकी भी कोई इंतहा और कोई उसका होगा कि वो क्या चाहता है आखिर में।
तो वो उसकी थियोसोफिकल से मेटाफिजिकल निकल के आएगा, ये नहीं इंसान उससे ज्यादा आगे और उससे ज्यादा गहराई से सोच सके, ये शायद उसका पर्पज है लाइफ का, कि वो उसको पहचाने। और क्या उसको पहचानने में वो एक वक्त शायद वो ऐसा नहीं आ सकता कहीं पे, वो जब जैसे आपने कहा कि अंदर खुदा एक बनाया हुआ है, तो वो खुद ही फिर उसी दिन कहे मैं ही हूँ। और ये चीज बड़ी एक इतनी वो लगती है, ये हो नहीं सकता कि उसने कोई चीज भी बनाई है तो बगैर किसी मकसद के बनाई है, और रास्ता भी बताया जैसे आपने कहा बिल्कुल कि उसको चॉइसेस दी उसे, चलो तो ये इसमें उसके लिए उसमें क्या वो एक इससे बेहतर इंटेलिजेंट स्पीशीज और कोई उसने नहीं है, वो बनाएगा बना सकता है, और जब वो ये चीज़ के वो पैदा कर देगा दोबारा फिर सबको खड़ा कर देगा, तो इट मीन्स कि शायद उसी के लिए उसने ये हमें प्रोग्राम किया हुआ है कि हम देखें इससे और ज़्यादा एडवांस और क्या चीज़ इंसान को और कितने फिर फरिश्ते तो उसने वैसे भी बना सकता है बन गए। तो ये उस ये एक चीज अगर अल्टीमेटली ये कि जब अगर आपने ग्रेटिट्यूड बात वही वापस आती है कि जो आपने कहा जैसे ग्रेटिट्यूड शो करना, तो वो जो ग्रेटिट्यूड है वो उसका अल्लाह ताला को तो जो खुशी है वो अपनी जगह उसकी है, मगर इस सोसाइटी में इस सोशल सेटअप में उस ग्रेटिट्यूड के क्या असरात होते हैं। अच्छा इसमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक बेसिक तो हमने ये कहा बिल्कुल कि ग्रेटिट्यूड की एक अल्लाह ताला ने तकलीफ दी है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला की ख्वाहिशात खुशी क्या है किस चीज़ में। देखें एक एक चीज़ समझ लें कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत या इनायत है ना जो मुख्तलिफ मखलूकात से, वो इक्वल नहीं है। मतलब इक्वल इन सेंस वो हर एक से तो मोहब्बत करता है, लेकिन जो उससे मोहब्बत करता है उससे वो ज़्यादा मोहब्बत करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर एक से, मतलब मोहब्बत तो हर एक से इक्वल होता है, लेकिन आप ये समझें कि अगर दो तरीके से आप अल्लाह को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करने का एक तरीका तो ये है कि आप उसकी इबादत करें, उससे दुआ करें, शुक्र अदा करें। और एक और रेसिप्रोकेट करने का तरीका जो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है वो ये कि ऐसे लोगों की खिदमत करें और ऐसे लोगों से करें कि जो जिससे अल्लाह ताला महबूब मोहब्बत करता है। मतलब आप ये देखें ना कि उनको फॉलो करें या उनको उनको उन पे एहसान करें। ओबीडियंस यानी कि ऐसे लोगों पे जब एहसान करेंगे ना, देखें एक चीज़ है कि अगर अल्लाह ताला अगर ऐसे लोग जो कि अल्लाह की राह में हैं और वो जो शुक्रगुजार हैं, ऐसे लोगों की हर चीज़ पे अल्लाह ताला की नज़र होती है। अगर आप ऐसे लोगों पे एहसान करेंगे, ऐसे लोगों पे कोई आप फेवर करेंगे या उन ऐसे काम करेंगे जैसे उन लोगों की तरफ से दुआ निकलेगी, तो वो अल्लाह ताला की खुशी को और बढ़ाएगी। क्यों? देखें ना एक पॉइंट है कि अल्लाह ताला जब किसी को सेलेक्ट कर लेता है ना, किसी को पसंद करता है कि हाँ ये मेरा बंदा है, तो वो बंदा जब खुश होता है तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली, बल्कि दोनों चीज़ें करनी चाहिए, एक तो है कि डायरेक्टली आप अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी करें और दूसरा उसके बंदों की खिदमत करें और उसके बंदों का ऐसा काम करें जिससे वो बंदे जो है आपके लिए भी दुआ करें और उनको फ़ायदा पहुँचे। तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने से जो अल्लाह ताला को खुशी महसूस होती है वो जो है वो ज्यादा है, इसमें मुझे क्योंकि इसकी एक लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है कि इंसान एक यूनिट है अल्लाह ताला की खुशी का, और एक दूसरा इंसान दूसरा यूनिट है, तीसरा इंसान तीसरा है। जो आप लोगों को आप फायदा देंगे तो क्या होगा कि एक तो आप डायरेक्टली भी अल्लाह ताला खुश कर रहे हैं, लेकिन थ्रू दूसरे यूनिट्स की तरफ तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा जो अल्लाह ताला की खुशी को बढ़ाएगा। बेशक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक इसमें उसका मुझे सही उसको याद नहीं उसका रेफरेंस, मगर एक शिकायत है उसकी मूसा जब टूर पर गए हम कलाम हुए तो उनसे आवाज आई कि किसी हवाले से उन्होंने कहा कि मैं कुछ ये कहा कि मैं इतना तेरा करीब कुर्ब है मुझे, तो क्या इंसान को इतना और किसी को भी इतना कुर्ब हुआ है जो मुझे तूने अदा किया, तो आवाज़ आई कि तू फला जगह उस आदमी को देखो वो है उसके पास जाओ और उससे कहो कि मुझे
एक पाव गोश्त काट के दे हाँ। सही तो वो आए और उन्होंने कहा कि ये वो तो एक मलंग सा बिल्कुल पागल सा आदमी है हाँ। बैठा हुआ वहाँ मिला उन्हें तो उन्होंने जब कहा कि अल्लाह ने ये खाई जाए के लिए तो उसने कहा कि अच्छा उसे मांगी है तो कहाँ का गोश्त मांगा है कौन सी जगह का मांगा है ये मांगा है फिर वो वापस गए पूछने के लिए पूछ तो वो उन्होंने बताया कि यानी वो इंतहा जो थी बिल्कुल उसकी इश्क की उस इंतहा को इश्क को वो उसका इल्म अल्लाह को था अल्लाह को था कि इसकी लब इंतहा ये है और इसको समझाने के लिए इनकी जुबान में ये बताया गया कि जब मांग के देखो उससे तो उसमें फिर अच्छा एक में इसमें ये चीज भी जो मेंशन की गई थी उस वक्त के भाई मूसा ने कहा कि वो इतना मोतबर क्यों है वो वास्ते इतने प्यार कर रहा है तो मैं भी तो आपका बंदा हूँ तो कह रहा मूसा जब ये सवाल किया गया था तो आपसे ही तो किए गए थे सवाल तो ये काम तो आप भी कर सकते थे कि भाई आप जो है वहां तक क्यों मैं जाऊँ मैं आपने अपना अपने आप को ही क्यों ना पेश कर दूं सही बात है तो यहाँ भी ये बात सामने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटिट्यूड की क्या ये वही सिंबोलिज्म नहीं है जब हजरत इब्राहिम कहा गया कि उन्होंने कहा खुलवाजी दो इस बेटे की तो वो फौरन सामने हो गए यही वही अल्लाह ताला को उससे इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई कि इसका अल्लाह ताला चाहता है बार बार इसका इजहार हो और उसने आगे आने वाले उम्मत तक के लिए जो है ना इसको एक ऐसा फर्ज बना दिया जिसकी जिसका जो है ना पार्ट विद योर डियरेस्ट अपनी आप ये देखें ना कितनी अल्लाह को खुशी हुई होगी उसकी और उस एक्शन के रेपिटेशन पर हर दफा खुशी होगी अल्लाह ताला तो हर इबादत जो है ना अल्लाह ताला की उसके अंदर अल्लाह ताला की खुशी मौजूद है आप इसको इबादत जो है ना एक्चुअली हम जो सवाब कहते हैं सवाब क्या अगर कोई बंदा कहे व्हाट इज सवाब सवाब की डेफिनेशन क्या है सवाब एक यूनिट है ना कि आप कहते हैं ना कि इतना सवाब है इतना कैसे सवाब क्या है सवाब सवाब की रियलिटी क्या है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ सवाब क्या है सवाब अल्लाह ताला की खुशी है एक चीज और ऐड कर दूं मैं कि जब अल्लाह पाक अपने बंदों से खुश होता है और जैसे बंदे होते हैं तो उनको उनको सज्दे की सलाहियत दे देता है वो उसके दरबार में जाकर उसके घर में मस्जिद में वो सजदे की सलाहियत उसमें आती है और वो सजदा करता है तो वो सबसे ज्यादा अल्लाह पाक को सजदा ही तो पसंद है शैतान दरगोर क्यों हुआ था शैतान से यही कहा गया था ना कि आप सजदा करें ये बात जो आपकी आपने कही बहुत सही उसका है जबरदस्त उसका इम्प्रेशन बल्कि उसका रेफरेंस यहाँ आता है जो अल्लाह इन्होंने अशफाक अहमद ने एक जगह लिखा है अपने एक जगह उसमें उन्होंने कहा है उनकी बातें ऐसी तो उन्होंने लिखा है कि कभी किसी कर्म वाले से मुंह मत मारना तो कर्म वाले कौन है जिस पे उसकी कर्म है उस जात का उसकी उसने पहचान बताई है कि वो कर्म वाले कैसे पहचानोगे तो वो एक तो ये कि वो बहुत धीमी आवाज में बोलते हो और दूसरों के ऊपर एहसान करते हो बगैर किसी लालच के तो इससे ये रेफरेंस उसने उन्होंने दिया कि भाई उनका आकर्ष किया हुआ है कि जो वो लोग हैं तो वो उनपे अलग करम है यानी ये कि वो पहले से उनमें वो फीलिंग डेवलप है कि वो ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं अब एक चीज है अभी एक चीज समझें कि इंसान किसी का शुक्रगुजार जो होता है ना वो मुख्तलिफ तरीके से हो जाता है एक तो बंदा समझता है बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है इस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है शुक्रगुजारी का और एक ये समझता है कि नहीं मेरे पास ऑप्शन मौजूद है तो अल्लाह ताला ने अपने आप को छुपाया अल्लाह ताला जो छुपाने में आता है तो उसकी सिफत छुपाने वाली भी जो है बातिन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यानी तो उससे ज़्यादा छुपाने वाले नहीं होगा तो अल्लाह ताला ने अपने आप को छुपाया तो अल्लाह ताला तक कोई बंदा रैशनली नहीं पहुँच सकता आपके माइंड से नहीं पहुँच सकता कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ ये दुनिया अल्लाह ताला की लेकिन अभी तक दुनिया में डिबेट चल रही है कि खुदा है या नहीं और अब तक इनकंक्लूसिव है सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन ये जो एथिस्ट कहते हैं कि भाई खुदा नहीं है वो ये नहीं कहता खुदा नहीं है वो ये कहते हैं कि खुदा की नीड नहीं है ये दो अलग अलग चीज़ हाँ दो अलग चीज़ क्योंकि खुदा नहीं है भी प्रूव नहीं हो सकता और खुदा है भी प्रूव नहीं हो सकता तो अगर कॉन्शियसली हम प्रूव कर लेना तब तो अल्लाह फिर तो हर कोई मुसलमान इबादत को तो अल्लाह ताला को वो फीलिंग डेवलप नहीं होगी कि जब आप जो है अपने दिल से जो है ईमान लाएं विदाउट हैविंग रैशनल एक्सप्लेनेशन ताकि चीज को डॉक्टर साहब आपकी अगर परमिट में जरा था उसको उस कॉन्टेक्स्ट में जो कि आपने बात कही ये वही एंडोर्स होती है इस चीज से कि जो
कि इंसान की शुरू की जो नस्लें थी, जो मजाहब जो पूछते थे, इंसान की तकलीफ में तीन फैक्टर्स अल्लाह ने शायद ऐसे डाले, एक फियर, एक भूख और फिर एक जो उसका ग्रेटिट्यूड यानी उसको एहसान मंद होना। तो फियर ये उसकी इंस्टिंक्ट है और भूख उसकी रिप्रोड्यूस करने की, खाने की, वो दो भी भूख है इतना जानदार। अब फियर किससे, ग्रेटिट्यूड फियर से डेवलप होगा, तो फियर किस चीज से आएगा? तो फियर के लिए उसकी उस वक्त लेवल वो थी कि वो जिस चीज के सामने बेबस हुआ उसको उसने ग्रेटिट्यूड शो की, चाहे बुद्ध की शक्ल में हो, चाहे समंदर की शक्ल में, चाहे चांद की शक्ल में हो, ग्रेटिट्यूड शो करी। और फिर वो ग्रेटिट्यूड अगर उसके सामने जब उसको जब देखा कि रात को सूरज जो है वो रात को तो नहीं हो सकता, फिर वो उसको उसने सिंबॉलीफाई किया कि उसके बुद्ध बनाए और अंदर रखे, वो किया, मगर वो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता था उस फियर की वजह से। तो अब एक ऐसी चीज देखते हुए जिसमें कि आपके साथ वो सामने अल्लाह ने वो सारे सिंबल्स हटा लिए और वो आपको उस लेवल पे ले आया कि आप उसको इमेजिन भी करें और फिर ग्रेटिट्यूड शो करें, ये उसकी शायद पिनेकल है, जेनिथ है। और इसकी पिनेकल जो है हमारे उम्मत, उम्मत मोहम्मद ही वही है, वही क्योंकि निशानियां मूसा अलैहि सलाम को दिखाई। बिल्कुल और इससे पहले भी बहुत सारी जब निशानियां किसी को दिखा देती है ना, अब देखे ना, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं रहता, तो पकड़ भी ज्यादा होती है। जैसे वो सूरत है ना अलाकुम तकासुर, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आप कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कल्लल्लाहु तालिमुना इल्मुल यकीन, जब तुम्हें इल्मुल यकीन हासिल हो जाएगा, तो जिस वक्त आप इल्मुल यकीन हासिल हो जाए उस वक्त तक उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इल्मुल यकीन हासिल हो जाएगा जब आपने आंखों से चीजें देखेंगे, तब तो हर कोई सीधे में गिर जाएगा, वो अल्लाह ताला को वो खुशी नहीं होगी। इसलिए कहा है कि जिस वक्त आखिरत हो गई तो आपके अकाउंट बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उस सबको खुशी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो जो सजदे में गिर रहा होगा वो तो इल्म यकीन के बेस पे कर रहा होगा। गैप के बेस पे अगर आप सजदे में गिरेंगे उससे जो अल्लाह ताला को खुशी होगी वो किसी और से नहीं होगी, वो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपके लिए, वो ज्यादा तभी तो बेनिफिशियरी होगा क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत भी है कि वो रिपे करता है। और अगर आप एक का एक अल्लाह ताला को पहुंचाएंगे वो दस में रिपे करेगा, तो उससे भी ज्यादा। तो जब तो अल्लाह ताला को इस बात से खुशी नहीं होगी कि वो सब कुछ देख ले अल्लाह के इतना, फिर तो हर हर जाबिर बादशाह के सामने भी आप गिर जाते हैं। मतलब अगर जाबिर बादशाह हो, कैतार हो, तो उसके सामने भी सब लोग गिर जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना पिछले जो अंबिया इकराम, इल्म यकीन जब आपको हो जाएगा तब उस इल्म का कोई फायदा नहीं, फायदा उसी वक्त आएगा जब इल्मुल गैब पे आप यकीन करें। तो गैब पे यकीन करने का उसी को वही चीज बताई गई जब उनके मतलब हुजूर की शक्ल, वही बात उसी आखिर में कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे इसके पीछे ये है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होगा, यही उसकी लेवल थी इल्म यकीन की। इल्म यकीन अब देखे ना, सबसे ज्यादा गैब जो रखा है ना अल्लाह ताला ने अपने आप को, वो हमारी उम्मत पे रखा। हमारे यहाँ बिल्कुल देखे ना, हमने पहले जिससे बात की थी जो सहीफे आए, तो सहीफे आए वो स्क्रॉल्स आए थे जैसे मूसा अलैहि सलाम को तख्तियां मिली थी। अब जो है अल्लाह ताला ने हज़रत सलम पर जो उतारा, वो उतारा उनके कल्ब पर उतारा, यानी कि उनके अल्फाज जारी हुए। अब किसी को ये नहीं पता कि कौन से अल्फाज सही हैं कौन से सही नहीं। कोई बंदा क्वेश्चन कर सकता है ना कि ये जो अब 40 साल में आपने इतना सब कहा कि ये कुरान है, आपने खुद कहा कि नहीं ये कुरान है और ये कुरान नहीं है, तो आप हो सकता है आपसे सही नहीं रख हुआ, मतलब कोई कह सकता है ना, क्योंकि देर इज नो एविडेंस। तो यही हमने जो लास्ट जो बात हुई थी वो ये कि हम बात कर रहे थे सदाकत पे, सच क्या है। तो एक्चुअली सच, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना को छुपाया हुआ है, तो कभी भी सच आप अपनी कैपेसिटी जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। सच आपको नहीं मालूम हो सकता, इल्मुल ऐनुल यकीन जो है वो तो आपको आखिर में हासिल होगा ना, जब आपकी आंखें खुलेंगी, अभी तो आपकी कैपेसिटी नहीं है सच जानने की। तो सच जो है, हम आज की डेफिनेशन जो है वो सच ये है कि जो बंदा सच बोल रहा है उसकी बात की गवाही देना, ये सच है कि वो बंदा सच, तो सच्चे की बात को सच कहते हैं बेसिकली। तो हमारा जो पूरा दीन जो खड़ा हुआ है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पे खड़ा हुआ है, इसीलिए जो है 40 साल की उम्र तक अल्लाह ताला ने सबको बताया कि उनका कैरेक्टर क्या है, सादिक और अमीन है।
तभी अगर ये सादिक और अमीन नहीं होता उनका तो कोई भी एतराज कर सकता था कि ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी अपनी तरफ से है और ये अल्लाह ताला की तरफ से। किसी ने एतराज नहीं किया, उनके उनके जो जो काफिर थे वो भी कहते थे कि आप मजनून हैं। मजनून का मतलब ये है कि आपको हेलुसिनेशन हो रही है, आपको चीजें आ रही हैं, लेकिन आप गलत नहीं बोल रहे, आप गलत नहीं बोल रहे। सही बात, ये देखे ना, आप किसी ने झूठा नहीं कर हजरत, बेशक किसी ने नहीं कहा कि नहीं आप, आपने जो है ना वो ये कह सकते हैं ठीक है यू हैव अ हेलुसिनेशन, वो अल्लाह ताला नहीं है कोई और बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो तो आप सही पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप सही, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैरेक्टर इस लेवल पे पहुंच गया था सादिक और अमीन का कि अल्लाह ताला की वो जो सारी कम्युनिकेशन थी वो पोशीदा रहते हुए भी इंसान तक पहुंच गई। आज जो हमारी इस्लाम की जो इमारत खड़ी है वो इसी बेस पे खड़ी, सारी बेस यही है, बेस यही है, हज़रत का पॉल जो है ये हमारी बेस है, और कोई कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई निशानियां नहीं दिखाई आपको, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई आपको कि पता चले कि नहीं वो कोई खास बंदे हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई वो हवा पे चल के नहीं आ रहे थे या वो हो गया, तो ये तो उनके कॉल की वजह से पूरा जो हमारा दीन है वो एक सच्चे बंदे की सच्चाई पे है। तो अगर हम सच को डिफाइन करें ना कि अगर सच दीन है तो हम इसलिए कहते हैं कि एक सच्चे बंदे ने कहा है इसलिए हम बिलीव करते हैं। अल्लाह ताला की बिलीव भी वही है कि एक सच्चे बंदे ने कहा है, तो सच्चाई की डेफिनेशन ही यही है कि जो सच्चा बंदा कहे, सिंपल सी बात। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है जब जब कोई भी आयत आती थी तो वो खुद अमल करके दिखाते थे, नहीं अमल करते थे, और कोई और किसी को ये डाउट नहीं था कि ये आयत कुरान की नहीं हो सकती, या बिल्कुल किसी को आप हिस्ट्री में देख रहे हैं जिन्होंने इस्लाम नहीं भी लाया ना उनको भी कभी डाउट नहीं हुआ। ये चीज जो आप कही ना मैं उसको मैं अक्सर पहले भी शायद मैंने ये नोट किया, मैं कई जगह उसको जब भी देखता हूँ पढ़ता हूँ दोहराता हूँ कि हुजूर का जो आखिरी खुतबा है उस खुतबे को, हालांकि अभी मेरी इतनी चीनी मुझे नहीं थी मगर मैंने उसको कोशिश करी, मैंने तर्जुमा पढ़ा उसका, उस तर्जुमे में पढ़ के मैंने एक दफ़ा पढ़ा दो दफ़े पढ़ा तीन दफ़े, तो जो चीज़ मेरे पहली दफे जो स्ट्राइक हो रही थी ना बार बार वो एक चीज़ हो रही थी कि जब जब उन्होंने जो कुछ बातें बताई कि देखो मैं आज के बाद हो सकता है अगली दफ़े ना हूँ तुम्हारे साथ, तो जो लोग मैं तुमसे कह रहा हूँ इसको जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो आगे पहुँचाएं इसको, औरत को मर्द पे, मर्द को उस पे, अरबी को अजमी पे, अरबी को अजमी, कितनी काबिलियत नहीं है, तखवा है, ये सब कुछ कहने के बाद जो आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा कि ऊपर हाथ उठा के आसमान को फिर कहा कि तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, उस एक जुमले से डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ मैंने उससे जितनी दफे पढ़ा मुझे उससे एक चीज कंक्लूसिवली हुई कि ये एक पैगंबर की एक इंसान का जहन है और जो कुरान में जो कुछ है वो इंसान वो इससे मैच नहीं करता, जो कुरान की आयतें इससे मैच नहीं करती नहीं। वो लगता है कि ये बिल्कुल कोई और चीज है, यानी वैसे तो हम मानते हैं ना ईमान है हमारे, मगर मैं आपको बताऊं हुजूर अगर वो एक थॉट प्रोसेस एक इंसानी थॉट प्रोसेस है जो वो कह रहे हैं आखिर में कि तू गवाह रहे ना, तो ये पूरा सच पे खड़ा हो सच में, अब वो चीज वो चीज इसलिए जो कुछ उन्होंने कुरान जो कहा गया है वो वाकई वो किसी इंसान का कलाम नहीं है कि नेवर वो मैं उससे क्या उसकी तबीयत, बस यही मेरी मतलब एक डिफ्रेंसिएशन यही नजर आता था कि जो उनका कहा हुआ है जो उन्होंने ये कोर्ट उसको अनकोर्ट करके नहीं कहा कि मैं वही आई मैं बता रहा हूँ ये एक्सटेम्पोर कहा, ये एक इंसानी है और बाकी जो कुछ उन्होंने कहा है इस वक्त कोर्ट के करके तो वो बिल्कुल ही वो गैर इंसानी वो इंसानी नहीं, तो ये असल चीज़ और हमारा जो ईमान ये एक्चुअली पूरा ईमान पर खड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक है, तो ये इसी चीज का हमारा और गैर मुस्लिमों का में फर्क है कि कुछ लोग जो हैं एथिस्ट हैं जैसे फिर सपोज वो कहते हैं कि खुदा की हमें जरूरत, वो भी ये भी नहीं कहता खुदा नहीं है क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते खुदा की जरूरत नहीं है, हर अल्लाह ताला के हर जो भी चला रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वो साइंटिफिक एविडेंस ले आते हैं ठीक है कि भाई ये साइंस की वजह से हो रहा है उसके पीछे क्या है, ये जो खुदा जो है ना ये कभी भी आपको कॉन्शियसली नजर नहीं आएगा ये आपको फील करना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं ना हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। अच्छा हिदायत हर एक को नहीं मिलती, इसमें जो कि डॉक्टर साहब की बात आपकी इतनी मुझसे उस पर एक और चीज है आपकी इस बात से कि जो लोग अतीत अगर ये कहें कि आपको हमें जरूरत नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि इंसान की जो फितरत है उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि ही लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग,
इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, यानी चाहे वो लॉजिकली मैनेजेबल हो या ना हो, उसकी उसकी रैशनल हो या ना हो, बट ये इंस्टिंक्ट है उसका लॉजिकल आगे, तो वो उस चीज को उससे तो मुफर नहीं है। जब ये इस्लाम नहीं था तो उसने ये सोचा कि हाँ नहीं मैं मर गया तो फिर कुत्ते की शक्ल में आ जाऊंगा, सोच तो रहा था ना वो आगे। अगर अब वो सोच उसको क्या कर रही थी, उससे उसको कोई फिजिकली कोई उसका उससे फायदा नहीं हो रहा था ना, उससे बहुत पूज रहा था बहुत, मगर वो एक जो एलिमेंट है फीचर में इंस्टिंक्ट एक एट्रीब्यूट कि भाई ही हैज टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा एस्पायर करता है कि मैं बड़ा होऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मैं और बड़ा हूँ, शादी मेरे बच्चे होंगे, ये घर होगा, वो एक प्रोसेस है जो आगे सोचता रहता है। तो अगर जब वो एक वेन लाइफ कम्स टू एन एंड अगर वो इसको सोच ले कि बस नाउ इट इज एन एंड, वहाँ मर जाना है, तो कोई वो पहले से लेके यहाँ तक की स्ट्रगल भी नहीं होगी। उसके लिए ये एलिमेंट जरूरी है कि इसके बाद ये है लाइफ आफ्टर डेथ ये है, और वो उसको वहां पे है या नहीं वो तो बात की बात, मगर उसको इस जिंदगी में दैट कीप्स हिम मच सेटिस्फाइड। हम उसकी हम लॉजिकली हम उसे कहीं आती जो भी कुछ कह लेंगे ये गलत कहते हैं कि दे डोंट नीड, यू नीड इट, वाई यू वॉन्ट टू, वाई यू से ये नेचर, वॉट इज नेचर, अब जिस चीज को जिसपे आपका इख्तियार नहीं है आप उसे नेचर कह देते हैं। और नेचर का इन्होंने फिलॉसफी बनाई है कि नेचर जो है रैंडम सिलेक्शन जो है, ये कोई पूछे कि भाई नेचर जो है उसको आप कहीं उसका उसका भी तो कोई एक बैकड्रॉप बताओ क्या, नहीं बस वो नेचर कह के सब खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ ना, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी बात आप जो है ये हिदायत जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और इसका ताल्लुक आपकी कॉन्शियस फैसिलिटी या रीजनिंग से नहीं होता, क्योंकि आप रीजनिंग से कभी भी अल्लाह ताला को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जितने आर्गुमेंट आप देंगे उसके काउंटर आर्गुमेंट मौजूद हैं। बेशक हर हर आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट मौजूद है, अगर हम वो डिस्कस करें तो हम हर एक का जो है काउंटर आर्गुमेंट जो है वो मिल सकता है। तो इसमें इसमें जो है ना दो तरह के लोग पैदा हो गए, एक तरह के लोग वो हैं कि जो इस जिनके जो जो दुनिया में जो भी लॉस चल रहे हैं अल्लाह ताला के, जब उनको उस लॉस के बारे में मालूम हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सब चीजें काफी हैं, कि हमें अपने जिंदगी जिंदा रहने के लिए जितने सवाल थे उनके जवाब मिल गए, तो अब हमें जो है ना इस बात से सरोकार नहीं है कि अल्लाह ताला खुदा है या नहीं है। ये एक रिडंडेंट क्वेश्चन है जो एथिस्ट जो कहते हैं एक्चुअली, एक रिडंडेंट क्वेश्चन है कि हमें जो है ना सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी वो सवाल वो नहीं है कि दुनिया के बाद क्या होगा, यानी वो सवाल ये है कि जो हमें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी सवाल है। तो डॉक्टर उसमें आपकी बात हट रही है, उसमें वो जो कॉज एंड इफेक्ट की आर्गुमेंट नहीं आती, फिर भी कॉज एंड इफेक्ट हाँ भाई आप उसको भी तो तय करें कि वो जो नेचर जिसको आप कह रहे हैं कि सब जिसकी वजह से हो रहा है, तो वो कॉज कहीं फिर क्या कॉज आप, और आप उस कॉज के ऊपर आपकी कोई इन्फ्लुएंस है नहीं, तो इट इज नॉट इनफ। वो नीड आप जो ये कहीं से बोल के कह रहा हूँ यही बात होती है, मैंने कहा कि ये आपने यू डोंट नीड, मैंने कहा हाउ कैन यू से यू डोंट नीड। लेकिन भाई मैं इसकी एग्जांपल ये कहता हूँ ना कि फिल्म सब लोग देखते हैं लेकिन इंप्रेशन और असर डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है बिल्कुल ठीक है। हरेक पे तो इंसान अलग अलग बना हुआ है, तो हर एक इंसान अपना देख रहा होता है, तो वो तो कुछ लोग किसी एंगल पे सोचते हैं, तो ये जो हिदायत है जो सही रास्ते पे सोचना ये जो है इसमें इंसान की कोई अपनी वो नहीं है, बेसिकली अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चूज किया है और वो सही रास्ते पे सोच रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी कोई एक